हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव गर्ग और ये जीएसटी सीरीज़ की पहली वीडियो है। और स्टार्टिंग के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स हुई जिसकी वजह से जीएसटी आ पाया और वो अमेंडमेंट्स करनी क्यों ज़रूरी थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्री जीएसटी रिजीम के बारे में हम देखेंगे, फिर क्या हुआ नया और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्री जीएसटी रिजीम के अंदर मेन तीन आर्टिकल्स हैं विच आर ऑफ कीन इम्पॉर्टेंस, दैट इज आर्टिकल नंबर 254, 265 एंड 264, तीन आर्टिकल्स। सो इसको एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल नंबर 265 क्या है? आर्टिकल नंबर 265 सेज कि कोई भी टैक्स की कलेक्शन के लिए कानून होना जरूरी है। इंग्लिश में इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मींस टैक्स की कलेक्शन और टैक्स की लागत, मींस टैक्स लगाना, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट टैक्स बीइंग इन एग्जिस्टेंस। ओके, उसके बाद आर्टिकल 254, अगर टैक्स पार्लियामेंट बनाती है और अगर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एक ही मैटर के ऊपर, और अगर इन दोनों के अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है, मीन्स दैट वन इज नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट अदर इज सेइंग, तो सेंटर का एक्ट प्रिवेल करेगा। मीन्स द सेंट्रल लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट इट शैल प्रिवेल, दैट आर्टिकल 254 सेज। और लास्ट पे आर्टिकल नंबर 264, व्हाट आर्टिकल 264 सेज, आर्टिकल 264 ये कहता है कि सेंटर लेवल पे टैक्सेस कौन लगा सकता है और स्टेट लेवल के ऊपर टैक्सेस कौन लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सिर्फ सेंटर लगा सकती है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेंट्रल लेवी है, सेंटर की सरकार ही लगाती है और सीधा हम सेंटर की सरकार को ही जमा करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वैट, सेल्स टैक्स। 2004 से पहले सेल्स टैक्स था, 2004 में वैट आया और 2017 में जीएसटी आया। ये सब टैक्सेस कौन लगा सकता था? स्टेट। तो कहने का मतलब कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट टैक्स लगा सकता है, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल टैक्स लगा सकता है। ओके, तो मेन इसी रीजन की वजह से आर्टिकल नंबर 264A नया इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ताकि एक ही सप्लाई के ऊपर सेंटर भी टैक्स लगा पाए, स्टेट भी टैक्स लगा पाए। क्योंकि हम देखते हैं जीएसटी के अंदर कोई भी इनवॉइस जब देखते हैं हम, अगर वो इंट्रा सप्लाई है, मींस विद इन स्टेट सप्लाई है, तो उसके ऊपर दो गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं, स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी एसजीएसटी। और अगर वो इंटर स्टेट हो विद इन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल पंजाब से हरियाणा, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से जम्मू कश्मीर या कुछ भी इस तरीके का, या फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात भी, तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। तो ये डुअल स्ट्रक्चर किस तरीके से पॉसिबल था? ये सिर्फ एक ही तरीका था इसको, ताकि दोनों सरकार टैक्स लगा पाए, तो आर्टिकल 264A लाया गया। आर्टिकल 264 गिव्स पावर टू स्टेट एंड सेंटर टू अप्लाई एंड लेवी टैक्सेस ऑन सप्लाई। जीएसटी को आर्टिकल 366 भी डिफाइन करता है, इट सेज इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये एल्कोहल को आज भी उन्होंने स्टेट के लिए छोड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कभी भी जीएसटी लग भी नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय आर्टिकल नंबर 366(12A). सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आई एम एबल टू डिलीवर दैट कि ये आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स या फिर नए आर्टिकल्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। थैंक यू वेरी मच।